नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन सबसे पहले तो मुझे एक कंप्लेन करनी है कि पाकिस्तान में टेलीविज़न एंकर्स और मीडिया की ज़िंदगी जो है वो बड़ी मुश्किल होती चली जा रही है, और मुश्किल इसलिए होती चली जा रही है कि पाकिस्तान के जो मेन सियासतदान हैं, की लीडर्स हैं, वो हर वक्त एयर स्पेस के लिए कम्पीट करते रहते हैं। आप इमरान खान तो कर ही रहे थे, अब बिलावल भुट्टो ने भी शुरू कर दिया कि हफ्ते में वो दो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और कोई घंटा डेढ़ घंटे से कम की उनकी कोई ये प्रेस टॉक जो है वो नहीं होती। अब से चंद घंटे पहले बिलावल भुट्टो ने कम अज़ कम डेढ़ घंटे की, कोई 90 मिनट की एक प्रेस टॉक की, जिसमें उन्होंने बहुत ही ज़्यादा तेज़ो तुद किस्म के इल्ज़ाम लगाए, ज़ाती किस्म के इल्ज़ाम लगाए वज़ीर आज़म इमरान खान पे, पीटीआई की गवर्नमेंट पे। उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की हुकूमत जो है वो पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा करप्ट गवर्नमेंट है। ये टुकड़ा मतलब अगर वो ये कहते हैं कि सबसे इनकॉम्पिटेंट है इकोनॉमिक मैनेजमेंट में तो शायद फिर भी बात समझ आती है, लेकिन उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा करप्ट गवर्नमेंट है। उन्होंने ये भी कहा कि अली जैदी जो हैं वो इमरान खान का किचन चलाते हैं। क्या कहा बिलावल भुट्टो ने एग्जैक्टली, वो पहले मैं आपको सुना देता हूँ। शुगर पे करप्शन, आटा पे करप्शन, तेल पे करप्शन, हर पाकिस्तानी का जेब पे डाका। अली जैदी के जो फ्रंटमैन है वो कॉन्ट्रैक्टर है बीआरटी का, पैसा तो अली जैदी बनाता है इमरान खान का किचन चलाना, इमरान खान का इलेक्शन और पीआर कैंपेन चलाना। स्टे ऑर्डर हटाओ, ये क्या बात है, कैसे दो निजाम है एक पाकिस्तान में। सिंध का वजीर आला हर दूसरा हफ्ता चक्कर पेशी भुगता है नैब का, वो भी इस्लामाबाद में। नाज़रीन अब वो ज़माना चला गया कि किसी ने इल्ज़ाम लगाया तो अगले दिन या कुछ घंटों के बाद जवाब आता था, इधर तो बात हुई उधर जवाब आ गया। मुराद सईद साहब जो हैं वो पीटीआई के रहनुमा हैं, मिनिस्टर हैं, उन्होंने फौरी तौर पे बिलावल भुट्टो को आड़े हाथों लिया। फर्जंद जरदारी करप्शन की बात कर रहा था, इनके अबू के ऊपर कितने करप्शन के केसेस हैं, फर्जंद जरदारी खुद जो सदक़े के बकरे होते हैं वो भी फेक अकाउंट से, बर्थडे पार्टियाँ होती है वो भी फेक अकाउंट से, घर के अखराजात चलते हैं वो भी फेक अकाउंट से, यहां तक के फर्जंदी जरदारी और अयान अली के टिकट के पैसे भी एक ही अकाउंट से पे होते हैं। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इमरान खान जैसा सादिक और अमीन लीडर मिला तो पाकिस्तान के अंदर ऑडिटर जनरल की जो पहले साल की रिपोर्ट थी मौसूफ ने घुमा फिरा के बात करने की कोशिश तो की, 98% इररेगुलरिटीज में कमी आ चुकी है। नाज़रीन अब बॉटम लाइन ये है कि बिलावल भुट्टो ने गुज़िश्ता कई हफ़्तों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बहुत ही सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है, जैसे वो बार बार दोहराते हैं हर इशू के ऊपर वो सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है, और उसमें एक बहुत बड़ा जो इंग्रेडिएंट है, कंपोनेंट है, वो 18वीं तरमीम के साथ भी उसका ताल्लुक है। उस हवाले से मैं बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं अपने पैनल को आपसे इंट्रोड्यूस करूं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट और कमेंटेटर और टेलीविजन एंकर जनाब मुबशर लुकमान साहब मेरे साथ हैं। वेरी वॉर्म वेलकम टू मुबशर साहब। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे साबिर शाकर साहब जो कि सीनियर तजियाकार हैं, कॉलमनिस्ट भी हैं, टेलीविजन एंकर पर्सन भी हैं, प्रेजेंटर भी हैं। वेरी वॉर्म वेलकम टू साबिर शाकर साहब एज वेल। और मुझे कराची से पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, राइटर, कॉलमनिस्ट, टेलीविजन पर्सनैलिटी जनाब मज़हर अब्बास साहब ज्वाइन करेंगे। तीनों इंतहाई डिस्टिंग्विश्ड एनालिस्ट हैं, सियासी तज्जिया करते हैं, इनसे इस हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं साबिर शाकर साहब से बात का आगाज़ कर सकूं, साबिर शाकर साहब, बिलावल भुट्टो क्या कोई यानी फ्रस्ट्रेटेड हैं, या बिलावल भुट्टो कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर पा रहे हैं जब वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की तारीख की सबसे करप्ट हुकूमत है? बिकॉज अगर वो ये कहते हैं कि इकोनॉमिक मैनेजमेंट इनकी अच्छी नहीं है, इन्होंने इकोनॉमिक मैनेजमेंट ठीक नहीं की है, करेंसी को ठीक मैनेजमेंट नहीं किया है, तब तो फिर भी को बात समझ आती थी, लेकिन ये जो एक इल्ज़ाम है कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की तारीख की सबसे करप्ट गवर्नमेंट है, आप समझते हैं कि बिलावल इससे कोई इम्पैक्ट पैदा कर पा रहे हैं? देखिए, बिलावल के लिए बहुत मुश्किल है इस तरह का इम्पैक्ट क्रिएट करना। उसकी रीज़न है कि वो अभी तक मेगा स्कैंडल उस तरह से आया नहीं। इनफैक्ट ये है कि मुस्लिम लीग नवाज यानी कि शहबाज शरीफ साहब वो कोई एक APC करना चाह रहे थे। मुस्लिम लीग नवाज अपने तौर पे लगी हुई है मामला तय करने के लिए, तो शहबाज शरीफ साहब खुद बराह रास्त कोशिश कर रहे हैं, मिन्नत अल्लाह प्रोग्राम कर रहे हैं, मरियम बीबी भी यही अपने उनका एक अपना नैरेटिव है। तो वो एक डिवीजन है। अब अपोजिशन लीडर ऑफ अपोजिशन इस वक्त गायब है, तो पीपल्स पार्टी की एक अच्छी स्ट्रेटेजी है कि वो इस गैप को फिल करे, इस खला को पुर करे, और अपोजिशन की जो ड्राइविंग सीट है उस पे आके, जाहिर है वो अपोजिशन लीडर तो बन नहीं सकते लेकिन अपोजिशन को लीड तो कर सकते हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब जब मुलाकात करने गए जरदारी साहब से, उसमें भी यही राज पिन्हा था कि कोई एक्टिविटी जनरेट की जाए, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज इनको पल्लू नहीं पकड़ा रही, असल इशू ये है। अदरवाइज बिलावल भुट्टो साहब को आपको पता है कि खुद भी
मुसीबत का शिकार हैं, जरदारी साहब भी, और फिर ये सारी चीज़ों को देखें कि बिलावल ने एक तरफ ये बात की है, दूसरी तरफ आगे जाके वो ये कह रहे हैं कि अभी भी वक्त है कि आएं बैठ के बात करें और कुछ आगे बढ़ें। बैकडोर चैनल पे बंद कमरे में इनकी गुफ्तगू कुछ और हो रही है, जबकि कैमरे में आके और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ये कुछ और कर रहे हैं। अच्छा, तो मुझे तो बिल्कुल दो डिफरेंट किस्म के सिनेरियोज हैं। ठीक है। एक बंद कमरे में इनके कुछ और मैसेजेस हैं। ठीक है। वहाँ पे ये मफाहमत की बात कर रहे हैं। ठीक। और जबकि बाहर आते हैं तो वो पहले सख्त बात करते हैं, फिर आगे वही मैसेज भी दे जाते हैं। ठीक। मुबशर लुकमान साहब, आपको क्या नजर आता है कि बिलावल भुट्टो इतने गुस्से में क्यों हैं, इतने एग्रेसिव क्यों हैं? क्या वो कुछ हासिल करना चाह रहे हैं पीटीआई की हुकूमत से, इमरान खान से, जो उनको मिल नहीं रहा? उनको कोई रिलीफ चाहिए, उन्हें कोई कंसेशन चाहिए, उनको कुछ चाहिए जिसका मजर हम देखते हैं इतना गुस्सा? पहले तो आपका शुक्रिया, आपके चैनल का भी शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको बताऊं कि आज बिलावल हाउस के बाहर और नवाज जी के घर के बाहर नैब ने नोटिस चस्पा कर दिया, ठीक है ना? और जब नैब ज्यादा हरकत में आती है तो बिलावल और शहबाज शरीफ साहब और उनके दीगर लोग जो है ना वो एकदम से एक्टिव हो जाते। लेकिन आपने जो मुझे शॉर्ट सुनाया ना, मुझे ये सुन के बड़ा दुख हुआ है डॉक्टर साहब, मैं आपको कर्ज करूं। मैंने इसमें बिलावल से एक जुमला जो सुना है वो मुझे बहुत ही दुख वाला जुमला लगा है कि उन्होंने कहा है कि सिंध के वजीर आला को हर दूसरे हफ्ते जाना पड़ता है, वो भी इस्लामाबाद में। यानी अब बिलावल जरदारी साहब जो है वो ये जीएम सैयद वाली सियासत करेंगे, और वैसे ही नेशनल पार्टी को इन लोगों ने एक पहले सूबाई पार्टी में कन्वर्ट कर दिया था और अब उसी को एक यानी आगे मजीद इलाकाई पार्टी के अंदर उसको लेके जा रहे हैं। बिलावल जरदारी से कम अज कम ये नहीं एक्सपेक्टेशन थी मुझे कि वो पोलराइजेशन का कार्ड इस तरह से खेलने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात यह है कि मैं ये तो मान सकता हूं कि इमरान खान की गवर्नमेंट, बिल्कुल जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि उसकी कॉम्पिटेंस के ऊपर बहुत सवाल उठ सकते हैं, उनकी डिलीवरी के ऊपर बेइंतहा सवाल उठ सकते हैं, उनके ना करने के ऊपर बेपना सवाल उठ सकते हैं, लेकिन करप्शन के ऊपर कोई बात नहीं है। करप्शन, मुझे लोग कहते हैं कि करप्शन बहुत है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि उसका पैमाना जो है पिछली हुकूमतों से बहुत कम है अगर आप उसको एक रियलिस्टिक उसमें देखें। और दूसरी आपको मैं बात कहूं कि बिल्कुल साबिर शाकिर ने एक बहुत सही बात की है, इमरान खान की गवर्नमेंट बड़ी कमजोर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसकी ऑपोजिशन उससे ज्यादा टूट फूट का शिकार है, तितर बितर है और अपनी दौड़े लगा रहे हैं। और इनकी टोटल अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और इनका आप शिद्दत अगर आप उसकी मेजर कर सकें तो आपको ये पता चलेगा कि ये अपने ऊपर तमाम केसेस खत्म करने की बातें कर रही है। देखिए, एक तरफ इमरान खान के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि असेंबली में नहीं आते, और दूसरी तरफ ये सारी जो डिबेट पार्लियामेंट में होनी चाहिए, जो बजट से पहले होनी चाहिए, उस सेशन में होनी चाहिए, वो डिबेट जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं। तो बेसिकली ये भी नहीं चाहते, ये भी चाहते हैं निजाम रेड़ता रहे, और सिंध में जो हर साल 140 बिलियन की सिंध रेवेन्यू बोर्ड कलेक्शन कर रहा है वो उसके ऊपर कोई नजर ना डाले और वो खा लें। यार, कुत्ते काटने के वैक्सीन नहीं है, पीने के पानी ना होने की वजह से बच्चे मर रहे हैं, और इनके गुज़िश्ता वज़ीर आला ने कहा कि ये मेल न्यूट्रिशन का शिकार है। अरे बाबा, मेल न्यूट्रिशन किसकी जिम्मेदारी है, ये न्यूट्रिशन करना ही है वो? मेरा ख्याल है कि इस मुल्क की बदकिस्मती है कि हमें ऐसे लोग लीड कर रहे हैं जिन्होंने एक दिन नौकरी नहीं की, एक दिन कारोबार नहीं किया, उनको आटे दाल का भाव नहीं पता, और वो चले आवाम को नौकरियां देने, यानी चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो कोई और हो, मोरूसी सियासत की एक अल्टीमेट और बहुत बुरी हाल है हमारे। ठीक है, मेरे साथ रहिए। मजहर अब्बास साहब, आपने मुबशर लुकमान साहब को भी सुना, साबिर शाकिर साहब को भी सुना, आपको क्या समझ आता है कि बिलावल भुट्टो जो इतने तेज़ोतुंद हमले करते हैं, ताबड़तोड़ हमले करते हैं, हर हफ्ते में कम से कम एक या दो दफ़ा करते हैं, ये किस चीज़ का गमाज है? ये कोई इंटरनल फ्रस्ट्रेशन है, उनके ऊपर प्रेशर है, या वो ये समझते हैं कि वो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई हेडवे कर रहे हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में? आखिर बिलावल की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स इस वक्त फंसी भी है कहाँ? देखिए, दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये इस चीज़ का कभी इम्कान है कि चूँकि शहबाज शरीफ बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहे, शहबाज शरीफ खामोश हैं, तो बिलावल भुट्टो जो हर हफ्ते
मेरा पहले हफ्ते में दिन बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसकी एक बुनियादी वजह तो ये कि वो अपने आप को बहुत ज्यादा रेलिवेंट बनाना चाह रहे हैं, अपने आप को प्रोमिनेंट ऑपोजिशन लीडर बनाना चाह रहे हैं, और जाहिर है वो एक बड़ी पार्टी के सरबरा भी हैं लेकिन लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं है। लेकिन चूंकि लीडर ऑफ द अपोजिशन बिल्कुल ही खामोश हैं, तो इस वक्त मेन ऑपोजिशन जो है वो बिलावल भुट्टो नजर आ रहे हैं, लिहाजा उन्होंने एग्रेसिव टोन लेनी है। उसके उनके बारे में ये कहा जाता है कि जी अभी इतने मेच्योर नहीं है, तो वो अपनी मेच्योरिटी को भी शो करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि वो मेच्योर्ड हैं, इसलिए उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो खिताब किया है उनमें से कुछ खिताब देखें तो वो अच्छे खिताबात में से हैं, और इसी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है जो गलती कर रहे हैं वो ये कि बहुत सी चीजों में उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए, उनके दीगर लीडर्स मौजूद हैं, यही प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो उनके कोई मरकजी रहनमा कर सकता था, यही प्रेस कॉन्फ्रेंस इनके वजीर आला कर सकते थे। लेकिन जब बिलावल भुट्टो हर दूसरे हफ्ते अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो जाहिर है उसमें सब्सटेंस की कमी नजर आएगी। लेकिन इसके साथ ही जो जो लैंग्वेज हमारे यहाँ तकरीबन यूज होने लगी है तू तड़ा की, और उसमें जाहिर है तहरीक इंसाफ का भी अपना एक कमाल है उसके अंदर, वो मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा खराब है। और उसमें अभी आप देख लें कि बिलावल भुट्टो ने किस तरीके से इमरान खान को एड्रेस किया, मुराद सईद ने किस तरीके से बिलावल को एड्रेस किया, तो वो ये जो हमारी अब कल्चर आ रहा है ये बहुत खतरनाक कल्चर है, और ये मेरा ख्याल है इसको डिस्करेज करना चाहिए। और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन जो है वो बिल्कुल एक अब जहां तक सब्सटेंस बड़ी एक्सट्रीम किस्म की लैंग्वेज जो है वो बड़ी पोलराइजेशन है। जहां तक वो जो है उसमें देखिए उन्होंने इल्जाम लगाए हैं जो चीजें सामने आई हैं, यानी पेट्रोल के हवाले से सवालात आ रहे हैं, सारे लोग सवाल कर रहे हैं पेट्रोल के हवाले से, चीनी कमीशन पे अमल दरामद नहीं हो रहा रिपोर्ट के ऊपर, वो नजर आ रहे हैं, वो सारी चीजें नजर आ रही हैं। ये जो वहां तक तो ठीक था, मेरे साथ रहिए मजहब में जरा इस पे मैं इसको लेके आता हूँ। वो ठीक है, कुछ इल्जाम तो उनके हैं कि उस पर एक सियासी बहस बनती है नाज़रीन, चूंकि बिलावल भुट्टो बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के की पर्सन हैं, वो उसके चेयरपर्सन हैं, और उनको हुकूमत की मुखालफत तो करनी ही है, दिस इज़ व्हाट हिज जॉब इज़। लेकिन बहुत सी चीज़ें जो उन्होंने कह डाली कि ये हुकूमत पाकिस्तान की तारीख की सबसे करप्ट हुकूमत है, मीडिया की जिम्मेदारी है कि पॉइंट आउट करे कि इस हुकूमत का कोई ऐसा स्कैंडल आया ही नहीं सीधा सीधा ब्लैक करप्शन के हवाले से, जो माजी में हुकूमतों के स्कैंडल आते रहे हैं जिसको कि जिसकी बेसिस पर बिलावल भुट्टो जो है वो इस किस्म की एक पोलिटिकल पोजिशनिंग ले सकें। साबिर शाकर साहब, आप ये कहते पाए गए हैं कहीं पर कि इमरान खान हर क्राइसिस में पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमर्ज कर रहे हैं, उस्मा कारदार का निकाल देना और फिर ये जो अभी उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ पर प्रोविंशियल मिनिस्टर जो है उनका निकाल देना इन्फॉर्मेशन के, इन सब चीज़ों को आप समझते हैं कि इससे इमरान खान मजबूत होकर नज़र आ रहे हैं। लेकिन अजमल वजीर मैं कहना चाह रहा था, लेकिन जो जो उनके क्राइसिस हैं, जो उनकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है, जो इन्फ्लेशन है, जो जो रुपये और डॉलर की पैरिटी है, इन सब चीज़ों पर गालिबन आपकी नज़र नहीं है। एक तो ये बात सही है कि मैं माहिर मईशत तो नहीं हूँ, लेकिन जब भी बात की जाती है माहिरीन मईशत पता नहीं वो ये कहते हैं कि जनाब इसके दूर असरात मुरतब होंगे, लेकिन देखना होता है कि आम आदमी के मसाइल हल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो ये बात बिल्कुल सही है। और उसमें बहरहाल ये मामला तो गवर्नमेंट को ही देखना होता है, ये कोरोना का अब ये कहा जाता है कि कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ और जो मईशत को नुकसान पहुंचा, अगर ये ना होता तो इस दौरान नतायज अच्छे आना शुरू हो जाते, लेकिन अब कोरोना भी खत्म हो गया है। खत्म कहाँ से हो गया है? बिलावल भुट्टो ने कहा कि हुकूमत टेस्ट ही नहीं कर रही, इसलिए डाउनवर्ड ट्रेंड नजर आ रहा है दो तीन दिन। मेरा अपना ख्याल है जो हम NCOC को भी वॉच कर रहे हैं, इनको भी देख रहे हैं, तो ईद के बाद आई थिंक जिंदगी जो है वो मामूल पे आना शुरू हो जाएगी। ठीक है। और ये बिलावल भुट्टो को भी बहुत अच्छी तरह इलम है कि वही बात जो मजहर साहब कह रहे थे कि इनफैक्ट यही है कि ये खला असल में पैदा हुआ हुआ है अपोजिशन बेंचों में, और बिलावल समझते हैं कि क्यों ना बराह रास्त इमरान खान साहब से टक्कर ली जाए और ज्यादा से ज्यादा कवरेज हासिल की जाए। मिल रही है उनको कवरेज, इम्पोर्टेंस मिल रही है बिलावल को?
जाहिर है क्योंकि अगर देखें ना, लीडर ऑफ अपोजिशन है जी शहबाज शरीफ साहब, वो नहीं मैदान में आएंगे और उनके लोग नहीं आएंगे, यासिन इकबाल साहब, और एपीसी भी आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज की वजह से ये डिले हो रही है। अच्छा, बिलावल भुट्टो ने ईद से पहले ये कहा था, ईद से पहले ये कहा था कि जनाब बस कुछ दिनों में, या सॉरी ईद कह रहा हूँ, कि उनको कोरोना हुआ हुआ है और कोरोना की वजह से जैसे ही रिपोर्ट नेगेटिव आएगी तो फिर हमसे रब्ता होगा। हालांकि आपको पता है कि कोरोना में टेलीफोनिक रब्ते में कोई हर्ज नहीं होता, गपशप हो रही होती है, बातचीत हो सकती है, जो टेलीफोन पे भी जो पकड़ाई नहीं दे रही जमात पीपल्स पार्टी को और मौलाना फजलुर रहमान साहब को, तो उसके बाद फिर वो क्या होगा, कोरोना का रिजल्ट भी नेगेटिव आ गया, फिर अब इन्होंने कहा कि नहीं है, वेरी इंटरेस्टिंग, लेट मी, हाँ साहब साहब, मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ, मुझे एक ब्रेक ले लीजिए, लाजिक लेते हैं, और ब्रेक के बाद इन्हीं मामलात को, इसी डिस्कशन को, इसी एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। वक्फे से पहले आपने सुना साबिर शाकिर साहब का एनालिसिस ये था कि एपीसी जो है, जिसको बिलावल भुट्टो बुलाना चाहते हैं, एपीसी को बिलावल भुट्टो बड़े सीरियस हैं, वो चाहते हैं कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हो, लेकिन वो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस का तसव्वुर जो है वो आगे चल नहीं पा रहा, बिकॉज शहबाज शरीफ साहब जो है वो मुख्तलिफ हीले बहाने करके, कभी कोरोना, कभी कुछ, उसको जो है वो आगे उसको डिले करते चले जा रहे हैं, वो एक चीज़ सामने आ नहीं पा रही, उसकी ऑर्गेनाइजेशन हो नहीं पा रही। इसी पे मुबशर लुकमान साहब के मैं व्यू लेना चाहता हूँ। मुबशर लुकमान साहब, इसकी क्या वजह हो सकती है? शहबाज शरीफ साहब मोहतात हैं, वो समझते हैं कि इस मौके पर कोई पोलिटिकल क्रैकडाउन हो नहीं सकता, उनका कोई ऐसा समझौता है हुकूमत के साथ, इदारों के साथ, कि वो उसको आगे लेके नहीं जाना चाहते। अगर वो नहीं लेके जाना चाहते तो क्या फिर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब भी लेकर नहीं जाना चाहते? कैसे देखते हैं इस पोटेंशियल डिवीजन को बिटवीन पीपीपी एंड पीएमएलएन? देखें, नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा ने तो फैसला किया है कि अभी शहबाज शरीफ साहब सामने रहेंगे और वो लड़ेंगे और सब कुछ करेंगे, या जिस तरह से भी उन्होंने लेके चलना है अपनी पार्टी को लेके चलेंगे, क्योंकि मरियम के ऊपर विद इन पीएमएलएन काफी डिस्प्यूट है और कंसेंसस नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ। अच्छा, रियली क्या डिस्प्यूट है? मैं ये समझता हूँ कि एक स्टेज के बाद वो जो है मरियम एक्सेप्ट हो जाएंगी भारत, और अभी नहीं भी है तो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो हो जाएंगी एक स्टेज के बाद। और बिलावल का जहां तक ताल्लुक है, मैं नहीं, मरियम पे डिस्प्यूट है तो मैं पहली दफा सुन रहा हूं। हम पहले सुनते थे कि बिलावल, कि हम सुनते थे कि शहबाज शरीफ और मरियम दो डिफरेंट कैंप है, लेकिन मरियम पे डिस्प्यूट कहां से है? मरियम पे जो सीनियर लीडर्स हैं ना जी, जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब हैं, जिसमें हसन इकबाल हैं, जिसमें और इनके सीनियर लोग हैं, वो शायद समझते हैं कि वो यंग हैं, वो शायद हॉट ब्लडेड हैं और वो उतना उनको एतमाद नहीं है, और उसमें थे कि इस वक्त इदारों के साथ जो डीलिंग है वो शहबाज शरीफ साहब बेहतर कर सकते हैं और वहां से पार्टी के हाई कमांड को निकालने के लिए और बचाने के लिए। ये एक बड़ा जेन्युइन और लेजिटिमेट कंसेंसस है, मेरा ख्याल है कि किसी के उस पर दो राय नहीं है, शक नहीं। साबिर शाकिर साहब, फिर इसका क्या मतलब हुआ? क्या आपको भी एक ऐसी डिवीजन नजर आती है पीएमएलएन के अंदर के लोग एतराज़ करती है सीनियर लीडरशिप के, मरियम बीबी को अभी खामोश रहना चाहिए, इस वक्त वो इसलिए सामने नहीं आ रही हैं, आपको भी लगता है? और फिर एपीसी का फ्यूचर है क्या जिसपे मौलाना और बिलावल बहुत कोशा हैं? देखिए, मौलाना और नवाज शरीफ साहब यानी कि मुस्लिम लीग नवाज, इस वक्त दो जमातें हैं जो अपोजिशन में हैं हकीकत में, और जिनका कोई नहीं हिस्सा नहीं मिला उनको पिछले इंतखाबात में। अच्छा, और इख्तदार से बाहर हैं। एक तो मौलाना हो गए, एक मौलाना है और एक मुस्लिम लीग नवाज है, और मुस्लिम लीग नवाज नहीं, आपने इसमें से बिलावल को और पीपल्स पार्टी को निकाल दिया, उनको आप अपोजिशन में शामिल नहीं कर रहे? नहीं, वो तो उनका तो जी सब दूसरा बड़ा सूबे में हुकूमत है उनकी, अपोजिशन तो वो कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले तो खुद ही आपने कहा कि वो ज्यादा खुल के अपोजिशन करते हैं ताकि वो लीडर ऑफ अपोजिशन तस्वर किए जाए। मैं बताता हूँ आपको, जाहिर है उन्होंने जो अगले इंतखाबात की भी तैयारी करनी है, लेकिन जो इनके दरमियान इख्तलाफात हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि मुस्लिम लीग नवाज और मौलाना फजलुर रहमान साहब चाहते हैं कि सुबह भी नहाओ और हुकूमत का तख्त उलट दिया जाए, और वो खा अदम एतमाद की सूरत में हो, खा वो नए इंतखाबात की सूरत में हो। पीपल्स पार्टी ये नहीं चाहती, पीपल्स पार्टी कभी भी इलेक्शन नहीं चाहती, नए इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन नहीं चाहती, वो तो सिंध में उनकी गवर्नमेंट है, वो प्रेशर बस ठीक है, ये खेलते रहेंगे, पिंग पोंग करते रहेंगे, और कभी पीटीआई के खिलाफ शुरू हो गए, कभी किसी के खिलाफ शुरू हो गए, कभी इमरान खान को पकड़ लिया
वो ये जरूर करेंगे ताकि जो इस वक्त अपोजिशन का एक स्पेस है मरकजी सतह पे उसको भी फिल करें और वो भी जगह नहीं ऑक्यूपाई करें। लेकिन क्या पार्टी सिंध हुकूमत को, क्योंकि जब आम इंतखाबात का आप डिमांड करते हैं तो फिर तो आम इंतखाबात तो फिर सिंध में भी जाएंगे ना, वो क्या अपनी 3 साल की गवर्नमेंट सिंध को छोड़ेंगे? इस वक्त उनका तो काम चल रहा है। सो बेसिकली आप समझते हैं कि ऑपोजिशन में या तो मौलाना है या फिर PMLN है। PMLN में भी मैं आपको बताऊं कि शहबाज शरीफ तो फिर प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं लीडर ऑफ अपोजिशन का, तो जो ग्रुप बाहर है वो तो फिर नवाज शरीफ फैमिली है ना, वो कहीं भी नहीं है। मजहर अब्बास साहब, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि ये जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस है, आपको लगता है कि ये APC जो है ये हो पाएगी? देखिए, अगर हो भी पाएगी तो उसका उसके कोई मकासद हासिल नहीं हो पाएंगे। इसकी वजह ये है कि ऑपोजिशन के अंदर ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ गया है और सब अपना अपना खेल खेल रहे हैं। हो सकता है कि मौलाना ये चाह रहे हो कि PMLN और ये लोग आपस में बैठें, लेकिन मुझे बैठते हुए नजर नहीं आ रहे कि जो भी वजह हो सकती है, लेकिन ये सूरत हाल तो ये। तो मुझे APC अगर हो भी जाए तो वो APC क्या करेगी? वो कोई तहरीक चलाने की बात नहीं कर सकती, मुझे नहीं लगता कि कोई तहरीक चलने जा रही है। प्रेशर जरूर, देखिए उनके पास अभी भी इतनी अक्सरियत है अपोजिशन के बाद कि अगर वो अपने कार्ड बेहतर खेलते तो सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाता, लेकिन चूंकि एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है और अलग अलग अपने मामलात करते हैं तो इस वजह से वो नहीं आ सका क्लियर मेजोरिटी के बाद। अभी भी पंजाब असेंबली में अगर वो वाकई उस तरह की पॉलिटिकल मैनूवरिंग करना चाहें तो PMLQ के साथ जो है वो आगे जा सकते हैं, लेकिन बीच में उन्हें भी पता है, मौलाना को भी पता है और इन दोनों जमातों को भी पता है कि जिनसे मामलात तय होते हैं वो जो है वो अभी तक कोई भी तब्दीली के मोड में नहीं है किसी किस्म की। लेकिन जो बिलावल ने जो पॉइंट रेज किए हैं उसका इमरान खान को संजीदगी से नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि मेडिसिन की स्कैंडल के बाद चीनी स्कैंडल का आना, पेट्रोल क्राइसिस वाले ये सवालात ऐसे हैं और खासतौर पे BRT जो आगे चल के इमरान खान के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। मान लिया, सही है, लेकिन एक चीज तो थोड़ी सी वजाहत कर दें, मजहर वो सिर्फ आप ही कर सकते हैं, मैं बशर के पास समय जाऊं, वो ये है कि आपने खुद अभी कहा कि तहरीके इंसाफ के पास यानी अपोजिशन के पास नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं और अपोजिशन के लीडरान तमस्कर से मजाक भी उड़ाते हैं हुकूमत का कि ये लोग बजट में भी 160 से ज़्यादा वोट नहीं ले सकते हैं, कमज़ोर हुकूमत है, इमरान खान के पास बचा ही क्या है, कोई अथॉरिटी नहीं है। तो फिर साथ ही साथ ये जो पीपल्स पार्टी ताबड़तोड़ हमले करती है 18वीं तरमीम के हवाले से, मोहतरमा शहरी रहमान साहबा भी असेंबली में उसके हवाले से बात कर रही थी, बिलावल भी करते हैं और लोग भी, बिलावल ने आज भी बड़ी बात की, अपोजिशन नंबर्स तो अपोजिशन के पास हैं और अमेंडमेंट के अंदर अमेंडमेंट करने के लिए भी जो 2/3 नंबर्स चाहिए वो तो तहरीक इंसाफ के पास है ही नहीं है, जैसा असद उमर साहब ने पॉइंट आउट किया। तो फिर ये बार बार बिलावल और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों दुहाई देते हैं 18th अमेंडमेंट की? देखिए, वो इसलिए मोहित को बात इसलिए करते हैं क्योंकि इमरान खान ये बात करते हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ बार ये कहती है कि 18वीं तरमीम जो है इसमें बहुत से नुकते हैं, इसमें इसको दूर करना है, वो उनकी निशानदेही भी करते हैं। NFP को इमरान खान रिजेक्ट कर रहे हैं। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है कि वो कहते हैं कि इसमें नुक्स हैं, लेकिन उनके पास नंबर्स ही नहीं है। ये क्यों कहते हैं हम असेंबलियों से खींच के इनको बाहर निकालेंगे, घरों से निकाल देंगे, तोड़ देंगे अगर उन्होंने कुछ किया? वो तो कुछ कर ही नहीं सकते, उनके पास तो नंबर्स ही नहीं है। उसकी वजह ये है कि जब इमरान खान ये बात करते हैं उसका जवाब पीपुल्स पार्टी देती है तो 18वीं तरमीम के हवाले से अगर इस तरह की बातें होंगी तो उसका इनडायरेक्टली पीपुल्स पार्टी को सियासी फायदा पहुंचेगा और खासतौर पर अंदरूने सिर्फ, क्योंकि एक सियासी फायदा पहुंचता है। ठीक, एक सूरत हाल ऐसी है, चाहे वो काला बाग डैम का मसला हो, चाहे 18वीं तरमीम का मसला हो, चाहे NFT का मसला हो, वो इनके टेक्निकल इश्यूज से ज्यादा पॉलिटिकल इश्यूज हैं। ठीक, अच्छा मोहसिन लोकमान साहब, आप इससे एग्री करते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो सिर्फ सिंध के अंदर एक जज्बात पैदा करने के लिए, हैजान पैदा करने के लिए, अपने आप को फाल रखने के लिए 18वीं तरमीम की बात करती है, हुकूमत के पास तो नंबर्स ही नहीं है 18वीं तरमीम के अंदर तरमीम लाने के लिए? अगर आप हिस्टोरिकल तनाजुर में देखें तो सिंध के अंदर नंबर 2 वोट बैंक जो है वो इस वक्त JUIF का है
और जमीत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप जो है वो बहुत पॉपुलर जमात है सिंध के अंदर। और पीपल्स पार्टी जब लोगों की नजरों में गिरती है या एक अपोजिशन कमजोर उसकी लगती है जबकि वो सड़कों पे नहीं आते फजल रहमान साहब के साथ, तो उसमें डेफिनेटली अगले आने वाले इलेक्शन में मौलाना फजल रहमान को बड़ी स्ट्रॉन्ग एज होगी। और आप ये देख लें कि जब मौलाना कंटेनर पे थे, मौलाना लॉन्ग मार्च कर रहे थे और बाय इलेक्शन आया था सिंध में, तो मौलाना ने अपना पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं किया, उसके सामने जीडीए के कैंडिडेट को सपोर्ट कर दिया। उसकी वजह यह है कि उन्होंने सारा वर्कर उनका जो है वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुहिम जोई पे या पॉलिटिकल उसमें काम पे लगाया हुआ है। लेकिन मुझे जिस बात का खतरा हो रहा है ना, वो बहुत पहले मजहर साहब ने एक बात कही थी आपके शुरू के जवाब में, मैं आपको बताऊं, ये तो एपीसी होती है, नहीं होती है, अच्छी होती है, कम अच्छी होती है, अपने ऑब्जेक्टिव पूरे करती है या नहीं करती, लेकिन हमारी तमाम अशराफिया को बैठ के, पॉलिटिकल अशराफिया को बैठ के आज ये फैसला करना होगा कि यार हमने किस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है, किस किस्म की इल्जाम तराशियां दूसरे पे करनी है। और खास तौर पे जो सोशल मीडिया पे हम लोगों ने कैंपेनिंग शुरू कर दी है कि किसी की इज्जत जो है हम किस तरह से उछाल उछालते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि मेरा अगर नाम नहीं आ रहा है, शक्ल नजर नहीं आ रही, ये हमारे सोशल फाइबर के लिए बड़ी नुकसानदेह है। और हमारी पॉलिटिक्स अब उस नहज पे आ गई है कि हमें कदावर शख्सियात नजर नहीं आती हैं, हमें मजबूरी में बिलावल को कदावर कहना पड़ रहा है क्योंकि वो बेनजीर भुट्टो का बेटा है। बिलावल ने अभी तक खुद से कुछ नहीं किया, वो तो लियारी की सीट हार गया और वो तीसरे नंबर पे भी आया, बल्कि दूसरे पे भी नहीं आया, वो तो लड़काना में सीट लुड़काने लगे थे। तो बिलावल वगैरह को अपना कद बड़ा करने के लिए उनको खुद अपना दिल भी बड़ा करना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि इलेक्शन तो कोई भी जीते वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूँ कि पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मिड टर्म इलेक्शन हो। वो 125 बिलियन पर एनम कमा रहे हैं सिंध के अंदर से, वो क्यों उसको खोना चाहेंगे और वो उसकी बंदर बांट करवाएंगे, वो 3 साल खेलेंगे ऑपोजिशन ऑपोजिशन। ठीक है साबिर शाकिर साहब, आपने थोड़ी देर पहले ये कहा था कि नवाज इमरान खान को कोई क्लियर किस्म का ख़तरा जो है वो सियासी तौर पर नहीं है। अब एक दूसरा इशू है कि इमरान खान को ख़तरा नहीं है लेकिन पाकिस्तान की सियासत के अंदर हमें कोई कदावर शख्सियात जो है वो नज़र नहीं आती, एक वैक्यूम है। यानी बिलावल भुट्टो इसलिए इम्पोर्टेंट है मीडिया के लिए, मीडिया उनको टाइम देता है क्योंकि वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो हैं उनके वो साहिबजादे हैं, इसके अलावा सियासी तौर पर उनकी ना तो कोई उनके कोई क्रिस्टलाइज आइडियाज़ हैं, कोई मेच्योर आइडियाज़ हैं, ना वो सियासी तौर पर उनका कोई वज़न बन पा रहा है, ना वो अक्रॉस द कंट्री कट कर रहे हैं, हालांकि मीडिया उनको डेढ़ डेढ़ घंटा हर हफ्ते में दो दफ़ा दे देता है। तो ये जो वैक्यूम है इसमें कोई तीसरी ताकत जो है पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल या कोई रिलीजियस किस्म की जमात तो नहीं घुस सकती, इसमें एस्टैब्लिशमेंट का क्या रोल होता है, इसमें क्या आपको समझ आती है? मेरा अगला रिलीजियस का तो अभी कोई चांस नहीं बन रहा क्योंकि ये ऑप्शन तो काफ़ी अर्सा पहले आखिरी दफ़ा ये ऑप्शन लिया गया था जब मुतहदा मजलिस अमल बनाई गई थी, और उस वक्त क्योंकि एक ज़रूरत थी, और अगर उस वक्त ज़रूरत ना होती तो उस वक्त भी MMA को शायद खादम हुसैन रिजवी को क्या आप रिसर्जेंस होते देखते हैं पंजाब से? नहीं सर, वो उस हद तक नहीं, लेकिन ये है कि रिलीजियस वोट जो है वो जब किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ या पॉलिटिकल अलायंस के साथ जाके मिलेगा तब उसका वजन बढ़ेगा, अदरवाइज आपको पता है कि ये पॉलिटिकल मैनेजमेंट होती है, मदर साहब भी समझते हैं, आप भी और बशर खान साहब भी, कि कौन सा ग्रुप जो है वो अगर इंडिपेंडेंट हो तो किसके वोट तोड़ेगा, किसके वोट खराब करेगा, और अगर ये सारे का सारा एक बुके बना दिया जाए अलायंस की सूरत में तो फिर क्या नतीजे जाएंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं जब अगला कोई सियासी मंजरनामा फाइनल किया जा रहा हो, तो ये इस तरह की पॉकेट्स रखी जाती हैं और ये पॉकेट्स बवक्त ज़रूरत काम आती हैं और इनको इस्तेमाल में लाया जाता है। लेकिन ये कहा जाए कि कोई रिलीजियस ग्रुप एक बहुत बड़ा बन जाएगा, वो आपको पता है कि नहीं बन पाएगा। अच्छा जरा इसमें ब्रेक से पहले मजहर अब्बास साहब को आने दीजिए। मजहर अब्बास, अगर हम मुबशर लुकमान की इस थीसिस को मान लें कि कोई कदावर शख्सियात नहीं है, बिलावल भुट्टो सिर्फ इसलिए अहम है मीडिया के लिए, बहुत अहम है कि वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साहिबजादे, अदरवाइज यहाँ पॉलिटिक्स में अब ना तो कोई शख्सियात हैं ना यहाँ पे कोई आइडियाज हैं,
यही वजह है कि एस्टैब्लिशमेंट भी इतनी ताकतवर है, इमरान खान की हुकूमत के जहाँ बहुत मसाइल हैं वहाँ अपोजिशन जो है उसके पास भी कोई कदावर शख्सियत नहीं है, इसको आप कैसे देखते हैं? जी मेरा ख्याल है ठीक कह रहे हैं, लीडरशिप क्राइसिस तो है और मेरा ख्याल है हर जमात में है। क्या आप ये कह सकते हैं कि आज से 5 साल बाद तहरीक इंसाफ का अगला लीडर कौन होगा? तो हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज की जो ग्रोथ है वो मुझे लगता है कि रुक गई है। पॉलिटिकल लीडर्स नहीं सामने आ रहे, प्रोमिनेंट लीडर्स, पार्टीज, क्योंकि पार्टीज हमारे यहाँ डेमोक्रेसी। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर के बारे में क्या ख्याल है, इन दोनों के बारे में आपका? शाह महमूद कुरैशी और असद उमर, शाह महमूद कुरैशी का तहरीक मुत्तहिद रख सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि शाह महमूद कुरैशी तहरीक इंसाफ को मुत्तहिद रख सकते हैं। देखिए इस वक्त तहरीक इंसाफ में लीडरशिप क्राइसिस खत्म हो सकता है तो इमरान खान को अपना सक्सेसर नॉमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि बदकिस्मती से तहरीक इंसाफ में भी इलेक्शन का कल्चर खत्म हो गया है, वहां भी नॉमिनेशन होती हैं। अब जो आखिरी इलेक्शन हुए थे वो तहरीक इंसाफ के अंदर वो 2013 में हुए थे, उसके बाद इलेक्शन ही नहीं हुए, तहरीक इंसाफ ने अपने अंदर भी इलेक्शन का कल्चर खत्म कर दिया है। तो अब और इमरान खान के जाहिर है कोई फैमिली लेगेसी भी नहीं है उस तरह की, तो फिर तहरीक इंसाफ कैसे चलेगी? कौन होगा इमरान खान का नंबर टू? शाह महमूद कुरैशी होंगे, असद उमर होंगे। यही प्रॉब्लम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासी जमातों को ये सोचना पड़ेगा कि अगर उन्होंने अपनी रेलेवेंस बरकरार रखनी है तो उन्हें अपने अंदर डेमोक्रेसी के कल्चर को फरोग देना पड़ेगा। लीडर्स आते हैं चले जाते हैं, ये फैमिलीज जो हैं वो उस तरीके से नहीं इंटैक्ट रख सकती हैं। अब मुस्लिम आज भी पंजाब की सबसे बड़ी जमात है, चाहे कोई इसको माने या ना माने, मुस्लिम लीग नून ही असल चैलेंजर है इमरान खान के लिए। और इसीलिए फवाद चौधरी या दूसरे लोग जब कभी ये तनकीद करते हैं कि उस्मान बुज़दार को लाके इमरान खान ने बहुत बड़ी सियासी गलती की, तो मेरा ख्याल है वो तनकीद गलत नहीं है। इमरान खान अच्छा। ने उसको नाक का मसला बना लिया अच्छा। है, क्योंकि सबको पता है कि उस्मान बुज़दार जिस तरह भी जो भी पंजाब में काम हो रहा है वो इमरान खान कर रहे हैं, उस्मान बुज़दार नहीं कर रहे हैं। कितनी काबीना के इजलास इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा में जाके अटेंड की और कितनी काबीना के इजलास उन्होंने पंजाब में किए, तो पंजाब में एक तरीके से वो पुश कर रहे हैं उस्मान। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि इमरान खान को ये सूरत हाल पसंद है, इमरान खान चाहते हैं कि सूरत हाल ऐसी हो, चीफ मिनिस्टर कमजोर हो, उसकी शख्सियत में जान ना हो, उसका कोई कैरिश्मा ही ना हो, ताकि पंजाब को ब्यूरोक्रेसी की मदद से, सेकंड पॉलिटिकल लीडरशिप की मदद से प्राइम मिनिस्टर खुद से रन करें और वहां डिलीवर करवाएं। नहीं तो मुझे बताए ना, तो ये इलेक्शन में फिर कैसे वो होगा? आप ये कह के आप पूछे ना तहरीक इंसाफ के लोगों से, वो बताएंगे कि ये कह हर मरतबा ये कह दिया जाता है देखो बुज़दार किस तरह काम कर रहा है। उन सबको पता है कि बुज़दार नहीं काम कर रहा है, इमरान खान काम कर रहे हैं। तो आखिर किसी ऐसे लीडर को क्यों नहीं पंजाब में लाके खड़ा किया जाता कि जो पंजाब में मुस्लिम लीग नून के वोट भी काटे, मुस्लिम लीग नून को कमजोर करे? उस्मान बुज़दार की वजह से तो मुस्लिम लीग नून इंटैक्ट नजर आती है और वो जितना रहेंगे वो इंटैक्ट होती रहेगी। मेरे साथ रहे, ब्रेक मुझे लेनी है, बात यहाँ पे खत्म होती है। मजर अब्बास साहब ने बड़ा एक प्रोवोकेटिव आर्गुमेंट इस कर दिया है, एक आर्गुमेंट बड़ा प्लेस कर दिया है और इसको हम अभी डिस्कस करते हैं कि उस्मान बुज़दार जो हैं वो हर आने वाले दिन के लिए साथ इमरान खान के लिए पहले से ज़्यादा बड़ी लाइबिलिटी जो है, पोलिटिकल लाइबिलिटी बनते चले जा रहे हैं। क्या वाकई बनते चले जा रहे हैं? क्या इमरान खान की हिकमत अमली नाकाम हो जाएगी, उस्मान बुज़दार इमरान खान को ही ले डूबेंगे? इस पर मज़ीद बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़िम वेलकम बैक। नाज़िम वक्फे से पहले हमारी डिस्कशन जो है वो हादसाती तौर पर, इतफाकी तौर पर एक बहुत ही दिलचस्प पैराहे पे आ गई जिसका ताल्लुक पंजाब के चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार के साथ है। उस्मान बुज़दार के हवाले से हमारे पार्टिसिपेंट समझते हैं कि वो इमरान खान के लिए एक लाइबिलिटी साबित हो रहे हैं और ये लाइबिलिटी जो है ये बढ़ जाएगी। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड मैं आपको दे दूँ कि उस्मान बुज़दार 2018 में, हमें बताया जाता है कि एक एक्सीडेंटल कैंडिडेट की हैसियत से उभरे जब इमरान खान साहब के सामने मुलाकात में, जब वो स्क्रीन कर रहे थे सीएम के लिए, तो उस्मान बुज़दार ने बड़ी खूबसूरत बातें की, बड़ी सादगी से उन्होंने बातें की। उनके ख्यालात जो थे वो इतने खूबसूरत थे और वो इतना तरक्की के लिए अपने इलाके के काम करना चाहते थे
कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं उनका उन पे दिल जो है वो आ गया। उसके बाद से मीडिया ने और अपोजिशन ने और जो लोगों ने ये देखा कि उस्मान बुज़दार कोई बहुत अच्छे पॉलिटिकल कम्युनिकेटर नहीं है, वो जिस चीज़ का भी इरादा करते हैं लोग उसमें बिलीव ही नहीं करते। फॉर इंस्टेंस अब उन्होंने कह डाला है इसी हफ्ते जब प्राइम मिनिस्टर खुद भी लाहौर में थे कि एक नया लाहौर जो है उसे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, उसकी तामीर की जाएगी। रावी के किनारे लाहौर से नॉर्थ की तरफ जाते हुए 33 किलोमीटर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रिवर रावी एक बहुत बड़ा नया लाहौर तामीर किया जाएगा, जिसका जो प्लान है वो 400 स्क्वायर किलोमीटर का होगा। ये और बात है कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने 2013 से पहले इस किस्म का प्लान बना रखा था, जिसे बाद में वायबल समझा नहीं गया इन्वेस्टमेंट्स की कमी की वजह से। अब ये सब चीज़ें घूम फिरते हैं तो पाकिस्तान की सियासत ने एक नया पैराडाइम एब्जॉर्ब कर लिया है। वो नया पैराडाइम ये है कि उस्मान बुज़दार साहब दर हकीकत इमरान खान की चॉइस पहले भी इसीलिए थे और अब भी इसीलिए हैं कि वो एक कमज़ोर शख्स हैं, कमज़ोर शख्सियत है जिनका अपना कोई कद काट ना था ना उसमें इजाफा हो रहा है। और ये एक जो स्पेस है, ये जो वैक्यूम है, ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मौका देती है कि वो पंजाब को ज़ाती तौर पर अपनी सेलेक्ट ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए या सेलेक्ट की प्लेयर्स के ज़रिए पंजाब को गवर्न करें, पंजाब में तरक्याती मंसूबों को चलाएं, उसे डिलीवर करें। उन्हें पंजाब में कोई चैलेंजर जो है वो नहीं चाहिए है। लेकिन क्या उस्मान बुज़दार इमरान खान की इस हिकमत अमली में कारामत साबित हो रहे हैं या एक लाइबिलिटी साबित हो रहे हैं? साबिर शाकर साहब, योर व्यू। देखिए, ये तजर्बा पहले शरीफ फैमिली ने किया था, सबसे पहले पंजाब में के कमजोर वजीर आला रखा जाए। मसलन कौन? वो तो शहबाज शरीफ ही को रखते थे। नहीं, वो पहले गुलाम हैदर वाई साहब आए थे एक जमाने में। अच्छा, पहले वजीर आला पंजाब के लिए गुलाम हैदर वाई को लेके आए थे। जब वो तजर्बा कामयाब नहीं हुआ और मंजूर भट्टू साहब ने बगावत की और वजारत आला चली गई थी, उसके बाद ये रिस्क नहीं लिया शरीफ फैमिली ने। और नवाज शरीफ साहब मरकज में होते थे और पंजाब में शहबाज शरीफ साहब और मरकज में कभी हुकूमत नहीं भी रही तो भी अपोजिशन लीडर्स नवाज शरीफ साहब रहते थे मरकज में और इधर नीचे शहबाज शरीफ साहब को ही रखा जाता था पंजाब में। तो मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये मॉडल सूट करेगा अगर तगड़ा वजीर आला होता तो यकीनन। लेकिन उनकी अपनी एक फिलोसफी है, वो ये कहते हैं कि पंजाब में चूंकि बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट फंड है और बहुत बड़ा बजट है और उसमें अगर बहुत तगड़ा वजीर आला आ गया, एक तो वो फॉलो नहीं करेगा, दूसरा ये है कि वहाँ पे फिर स्कैंडल भी उसी तरीके से आएंगे। तो ये उनसे जो भी जब भी और जिसने भी बात की है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उसको डिफेंड करती हैं उस्मान बुज़दार साहब को। मुबशर लुकमान साहब, उस्मान बुज़दार की कमजोर शख्सियत अब मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक बात बताऊं, आपने वो फिल्म देखी होगी जुरैसिक पार्क स्टीवन स्पिलबर्ग की, उसमें एक डायलॉग था, मैं वो चोरी करने लगा, बड़ी वो डायलॉग था कि इन द हिस्ट्री ऑफ बैड आइडियाज दिस वाज द वर्स्ट आइडिया। तो मेरा ख्याल है कि सियासी फैसलों में पूरी दुनिया की 5000 साल पुरानी तारीख निकाली जाए तो बुज़दार शायद उनमें पहले दूसरे फैसलों में आएगा, जो बदतरीन फैसले थे। और महमूद खान भी वो कोई इतना बढ़िया नहीं है, लेकिन जिस जिद की वजह से इमरान खान उस्मान बुज़दार और महमूद खान से परसिस्ट कर रहे हैं, ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की ताबूत में आखिरी दो कील होंगे। और कोई माने या ना माने, मैं मजहर अब्बास साहब को थोड़ा सा मैं तसीह कर दूँ। मजहर साहब ने कहा था कि PMLN अभी भी पंजाब की एक बड़ी सियासी कुव्वत है। मैं करेक्शन ही करूं कि PMLN इस वक्त पंजाब की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। और अगर आज इलेक्शन होता है तो नवाज शरीफ भले हॉस्पिटल में हैं, भले वो सेल्फ्रिजेस में कॉफी पी रहे हैं, मरियम चुप हैं या नहीं चुप हैं, PMLN पंजाब की हद तक तो मजहर अब्बास साहब, आज इलेक्शन हो जाए, PMLN पंजाब की सबसे बड़ी वाज़ेह सियासी ताकत है, मरियम एक्टिव हो ना हो, नवाज शरीफ पाकिस्तान में हो ना हो, हॉस्पिटल में हो या सेल्फ्रिजेस में हो, इलेक्शन अगर आप करवाएंगे स्नैप तो PMLN पंजाब को लूट लेगी, स्वीप कर लेगी। देखिए मुहीद, मैं इसलिए मुबशर की बात को इंडोर्स करता हूँ, उसकी वजह यह है कि PMLN की जो पॉलिटिक्स है वो ग्रास रूट लेवल की पॉलिटिक्स है, वो लोकल बॉडीज की पॉलिटिक्स है, वो 85 के पोस्ट 85 की पॉलिटिक्स है, जिसमें लोग बरादरी सिस्टम्स को बहुत बिलीव करते हैं, लोग आरआई हो, कश्मीरी हो, इन चीज़ों पर बहुत जाते हैं। प्लस ये कि तहरीक इंसाफ ने पंजाब के अंदर लोकल बॉडीज में तो काम ही नहीं किया,
अगर PMLN के बाद कोई दूसरी जमात आती है तो PML क्यों आती है? तहरीक इंसाफ तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। और तहरीक इंसाफ ने इतने सालों में, आप देख लीजिएगा कि 2016 में या 15 में जब नहीं, तो ये जो वजीर आजम उठ उठ के जाते हैं पंजाब, ये जो वजीर आजम उठ उठ के पंजाब जाते हैं, तरक्याती मनसूबों का ऐलान करते हैं, वहाँ मीटिंग्स करते हैं पंजाब की कैबिनेट की, सिविल सर्वेंट्स की, पुलिस की, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट की, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा? देखो मोहित, प्रॉब्लम ये होती है कि जो लोकल बॉडीज की पॉलिटिक्स होती है ना, उसमें वो इंटरेक्ट करता है एक आम आदमी काउंसलर से, अपने अपने जो है वो दीगर जो अहदेदार होते हैं उनसे करता है। अब इमरान खान मुझे बताएं, लाहौर आते हैं, कुछ प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करते हैं, कुछ चीज़ों उसको फिर फॉलो कहाँ करते हैं? वो क्या उन इलाकों में गए हैं, उन इलाकों में उन्होंने चक्कर लगाया है? तो और पीपल्स पार्टी जो वहाँ लूट की है पंजाब में, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि पीपल्स पार्टी ने लोकल बॉडीज पर कभी तवज्जो नहीं दी। पीपल्स पार्टी ने तो नून लीग की जो पूरी स्ट्रेंथ है और कैंडिडेट च्वाइस दी, आप नून लीग के लोकल बॉडीज के कैंडिडेट्स उठा लें, नून लीग के MPAs उठा लें, उनका जो इंटरेक्शन है लोगों के साथ, वो इंटरेक्शन ना पीपल्स पार्टी का रहा, ना तहरीक इंसाफ ने इतने सालों में अपना बनाया। और अब तो तहरीक इंसाफ क्योंकि गवर्नमेंट में है, और गवर्नमेंट बुनियादी तौर पे उनका जिस दिन आप गवर्नमेंट बनाते हैं, आपका एक तरह से फिर डिक्लाइन शुरू हो जाता है, अंटिल अनलेस आप बहुत रेवोल्यूशनरी काम। तो उस्मान बुज़दार जो इमरान खान का फेस है पंजाब में, उस फेस को खुद तहरीक इंसाफ के लोग नहीं तस्लीम कर रहे, दूसरे क्या तस्लीम करेंगे? आप जाएं पंजाब के MNA से पूछें, आप जाएं पंजाब। अब रुकिए जरा, मैं प्रोग्राम खत्म होने से पहले मुबशर लुकमान साहब का इस पर एक फाइनल कंक्लूजन लूं। मुबशर लुकमान साहब, ये जो सूरत हाल इतनी ग्रिम है, जिस पे आपका और मज़हर अब्बास का एक इतफाक और कंसेंसस हो गया है कि उस्मान बुज़दार लाइबिलिटी भी हैं, ये इट वाज़ दी वर्स्ट ऑफ द बैड डिसीजंस, और पंजाब में सूरत हाल ठीक नहीं है, PMLN वहाँ पर सबसे बड़ी मकबूल जमात है, क्या आप समझते हैं कि मतलब आपको एक्सेस भी है इस्लामाबाद में कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनके जो करीब एक किचन कैबिनेट है, उसको इस चैलेंज का अंदाजा अदराक है या नहीं है? मैं आपको बताऊं, मज़हर अब्बास साहब तो हमारे भाई हैं, 12 करोड़ पंजाब की आवाम को मेरे से इत्तफाक है इस बात पे जो मैंने की है। किसी को आप मुझे कोई एक दिखाइएगा उस्मान बुज़दार के घर में आपको नहीं मिलेंगे लोग जो कहेंगे कि एज वजीर आला अच्छा काम कर रहा है, उसके खानदान में नहीं मिलेंगे। देखें, कैबिनेट में इमरान खान की अनफॉर्चुनेटली इर्द गिर्द वो लोग हैं जो सियासी तौर पे तहरीक इंसाफ के लोग नहीं है। 18-19 स्पेशल असिस्टेंट्स जो हैं, उनमें से किसी ने स्ट्रगल नहीं किया वहां पे आने के लिए। कंटेनर पे जो लोग नजर आते थे, उनमें से दो लोग आपको सिर्फ वहां पे मिलेंगे, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी, और बाकी आपको कोई नहीं मिलेगा। उस्मान बुज़दार खुद, जब हम लोग सारे कंटेनर पे खड़े होते थे, उस्मान बुज़दार शहबाज शरीफ की लेफ्ट साइड पे खड़े होते थे और तहरीक इंसाफ को बुरा भला भी कहते थे, कोई इस पे दो राय नहीं है। तो ये तहरीक इंसाफ नहीं है। अब मज़हर साहब ने बात की लोकल बॉडीज की, मैं आपको एक बात कहूं, लोकल बॉडीज को छोड़ें, खत्म हो गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग नुक्ता जो है उठा दिया मुबशर लुकमान साहब ने, मज़हर अब्बास साहब ने, कि तहरीक इंसाफ जो है वो अब इस सिचुएशन में ही नहीं है कि पंजाब से इलेक्शन जीत सके। वहाँ पे सबसे बड़ी जो पॉलिटिकली पॉपुलर पार्टी है वो इस वक्त PMLN है, और ये एक ऐसा चैलेंज है जिससे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी टीम ठीक तरह से वाकिफ भी नहीं है, लेकिन मीडिया को इसकी समझ आ रही है। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है नाज़रीन, बहुत शुक्रिया।